फ्रेंड्स, यू आर मोर देन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर स्टार्ट। और आज हम एक इंटरव्यू की वीडियो लेके आए हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ आरएसएफ और आरए। लेकिन वीडियो में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने से पहले हम आपसे छोटी सी एक गुजारिश करते हैं कि आप हमारा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वीडियो से जुड़ी कोई भी किस्म की आपको जानकारी की जरूरत पड़े तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम आपकी जो है डाउट को क्लियर कर सकें। Now, let's have a look upon the video. Division of Plant Physiology, ICAR, यानी कि Indian Agriculture Research Institute, Pusan, New Delhi में एक वैकेंसी निकली है, जहाँ पे इंटरव्यू फॉर द SRF और RA, यानी कि रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, या तो आप रिसर्च एसोसिएट के कैंडिडेट के लिए जो है इंटरव्यू निकली हुई है। ये इंटरव्यू जो है हमारा 14 जुलाई 2020 के लिए है। वॉकिंग इंटरव्यू है ये। अगर पोजिशन हमारा जो है सिचुएशन नहीं हुआ कि वॉकिंग हो, तो ये ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाली है। इंटरव्यू है 9:30 बजे 14 तारीख को, और वेन्यू है कमिटी रूम, डिवीजन ऑफ प्लान फिजियोलॉजी, आई ए आर आई, पूजा कैंपस, न्यू दिल्ली में। ये अगर इंटरव्यू ऑनलाइन होनी है तो आपको पहले ही इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं पूरी डिटेल। SRF और RA की जो पोजीशन है उसमें आपको कितनी सैलरी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होनी है वो हम देखते हैं। SRF के लिए 35,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी, प्लस HRA होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो RA के लिए, तो आपकी सैलरी होने वाली है 47,000 पर मंथ प्लस HRA। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 32 ईयर्स होनी चाहिए आपकी SRF के लिए, और 35 होने चाहिए RA के लिए। 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जा रही है SC ST कैंडिडेट के लिए, और OBC एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। एज फार एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंसर्न, SRF के लिए आपको MSc जो है प्लांट फिजियोलॉजी और इक्विवेलेंट में होनी है, और 3 ईयर्स की जो है यहाँ पे जो है आपको इतना एक्सपीरियंस के लिए तो यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन आरए के लिए एक्सपीरियंस बताया जा रहा है कि डॉक्टरेट होनी चाहिए, PhD, MD, MS और MDS होना चाहिए, और 3 साल की जो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे देखा जा रहा है। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार ही होगा। आपकी जो है बायोडाटा आपको भेजना है dayashankar1982@gmail.com ऑनर बिफोर 30th of June 2020 में। एप्लीकेंट को जो भी किस्म की जानकारी वॉकिंग इंटरव्यू के लिए या तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए देनी है वो आपको इन एडवांस में दे दिया जाएगा। और कैंडिडेट जो है 9:30 बजे 14 जुलाई 2020 में जो है आपको, यानी कि आने वाला महीना 14 जुलाई को 9:30 को ही आपको वहाँ पहुँच जानी चाहिए। उससे पहले पहुँच जाए तो भी अच्छा होगा, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लाना है आपको वहाँ पे। लेकिन अगर आप 10:30 के बाद पहुँचते हो तो आपको एंट्री नहीं किया जाएगा, ये भी इसमें बता रहा है। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपको जो है यहाँ पे 6 महीने के, एक्चुअली ये जो है एक टेम्प्रेरी पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, अगर 6 महीने के बाद में भी, अगर 6 महीने के लिए है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो ये एक आपको एक्सटेंशन भी इसमें मिलेगी। और आपका परफॉर्मेंस के बेस में ये भी हो सकता है कि आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर दिस पोस्ट के लिए आप कल को क्लेम भी कर सकते हो। तो अगर आप कैंडिडेट हो इस एलिजिबल कैंडिडेट हो इस पोजीशन के लिए, तो प्लीज़ इसके लिए इसको ज़रूर आप ट्राई करके देखिए। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।